इस तरफ आप लोगों को कुछ खुफिया कमरे और दिखा देते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। इस साइड जाने के बाद हमें गाइस रास्ता शायद दिख रहा है। गाइस आप ये देख सकते हो, ये राजा का बैठने का स्थान है, यहाँ पर बैठते थे। और इस साइड महफिलें वगैरह जो भी बैठक वगैरह खासे आम जो बोलते हैं वो हुआ करती थी। जैसे हैं राजा की कक्ष की ओर, मेरे सामने आप लोग देख सकते हो राजा का कक्ष बना हुआ है जो कि उस समय पर काफ़ी शानदार हुआ करता। इस तरफ आप लोगों को कुछ खुफिया कमरे और दिखा देते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। इस साइड जाने के बाद हमें गाइस रास्ता शायद दिख रहा है, सामने ही रास्ता है। तो गाइस हम लोग यहाँ अब चलते हैं, आप लोगों को मेन कक्ष वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं जहाँ पर राजा रानी रहा करते थे और जहाँ पर मोस्टली हथियार वगैरह रखे जाते थे। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैदान और काफ़ी शानदार नज़ारा है। गाइस यहाँ पर राजाओं की महफिल वगैरह हुआ करती होगी, आप लोग देख सकते हो उस साइड जो अभी बीच में बनाया गया है, यहाँ पर राजा बैठते होंगे और यहाँ पर जो महफिलें वगैरह हैं वो हुआ करती होंगी। गाइस आप ये देख सकते हो, ये राजा का बैठने का स्थान है, यहाँ पर बैठते थे। और इस साइड महफिलें वगैरह जो भी बैठक वगैरह खासे आम जो बोलते हैं वो हुआ करती थी। जैसे कोई आम आदमी की जनसुनवाई होती थी तो राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ से उनकी जनसुनवाई होती थी। तो गाइस इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आप लोग देख सकते हो जो दुर्ग वगैरह इसके जो बने हुए हैं, बुर्ज पूरे पत्थर के ऊपर हैं और ये एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर इस महल का, इस किले का निर्माण हुआ था जो कि 1787 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और इस महल को बनवाने के लिए काफ़ी खास टेक्निकल का उपयोग हुआ था क्योंकि गाइस जो ओरछा के राजा थे वो काफ़ी परेशान थे मराठों की लूटपाट से, तो उन्होंने इस जगह को सेफली बनवाया था। यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से मिलते हैं यहाँ के जो रक्षक सैनिक वगैरह हुआ करते उनके कक्ष, अंदर जाते हैं। गाइस जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ हमें कुछ और कक्ष भी मिलते हैं। हो सकता है गाइस इस महल के अंदर कुछ रहस्य छुपे हों, कुछ रहस्य हों, तो आप लोगों को वो रहस्य भी मैं बताऊंगा आगे चल के दिखाऊंगा अगर हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी माना जाता है कि तहखाने भी हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला है कि ये जो इसकी रिपेयर वगैरह कर दी गई है, ऐसे लग रहा है जैसे जो पहले अपने परचम पर महल होगा उसी टाइप के आप लोग देख सकते हो। ये जो हमारे पुरातत्व विभाग हैं उसने इसकी मरम्मत करवाई है, काफ़ी शानदार मरम्मत करवा दी गई है। इस साइड से चलते हैं हम लोग। तो गाइस इस साइड आप लोग देख सकते हो मेन कक्ष की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे चलते हैं मेन कक्ष की ओर। मेरे सामने ही वो मेन कक्ष है, मेरे माइक का वायर दोस्तों फंस गया है, यहाँ पर निकाल लूँ। चल रहे हैं, इस साइड काफ़ी घास घूस है, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं जो शायद हो सकते हैं राजा महाराजा कोई हो। वैसे यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास घूस है, तो इस साइड जाते हैं। यहाँ पर कुछ कक्ष हैं, आप लोगों को उस कक्ष के बारे में मैं बता देता हूँ। ये किला गाइस ऐसा बना हुआ है, काफ़ी मतलब सेफ्टी के हिसाब से बना है, यहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते थे क्योंकि उस समय पर काफ़ी लूटपाट हुआ करती थी। लेकिन इस किले के अंदर हथियार ऐसे खुफिया जगह में रखे जाते थे जो कि दुश्मनों को पता भी नहीं चलता था। गाइस ये आप लोग देख सकते हो एक कक्ष बना हुआ है जो कि आज के टाइम पर ध्वस्त हो चुका है। तो गाइस इसके अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी रिस्क है जाना, क्योंकि ये जो कक्ष है अभी पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील है। इस साइड आने पर गाइस हम लोगों को मिलता है काफ़ी मैदान जो आप लोग देख रहे हो। गाइस इस महल में हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया है गाइस कि रास्ता कहां से कहां है, क्योंकि ये जो महल है काफ़ी मतलब शानदार महल बना हुआ है। यहाँ से हम लोग उतरते हैं नीचे और आप लोगों को लेकर चलते हैं मेन कक्ष की ओर जहाँ पर राजा निवास किया करते थे। हम लोग आप लोग सामने ही देख सकते हो ये जो मेन कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर राजा निवास किया करते थे और काफ़ी शानदार ये महल है। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं राजा के महल की ओर। तो गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को राजा का महल। आप लोग देख सकते हो पुरानी चट्टानें, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं इस महल में और छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये महल स्थित है। हम लोग आ चुके हैं राजा के कक्ष की तरफ। तो गाइस सीढ़ियों की मदद से हम लोग ऊपर चल रहे हैं जहाँ राजा रहा करते थे और आप लोग देख सकते हो पहाड़ के टॉप पर ये राजा का कक्ष है। गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देना, अपना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं जाता है और तालाब में एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि काफ़ी शानदार है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा है
और ये छोटे छोटे जो बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर पहरेदार ऐसे बैठा करते थे। मैं अभी बैठ के थोड़ा सा आनंद ले लूँगा, इस काफ़ी शानदार हवा आ रही है। यहाँ से बैठते थे अपने हथियार जो भी लेके इस किले की रेख देख में। तो गाइस चलते आ गए आप लोगों को और देते हैं राजा की कक्ष की ओर। मेरे सामने आप लोग देख सकते हो राजा का कक्ष बना हुआ है जो कि उस समय पर काफ़ी शानदार हुआ करता होगा। इसके अंदर एक जो पिलर बना हुआ है ताकि इसमें सपोर्ट रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुरक्षा के हिसाब से चारों ओर यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। राजा यहाँ पर विश्राम करते थे, आप लोग देख सकते हो आज के टाइम पर भी वो बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर गाइस ऐसे कुछ अपवाद भी आते रहते हैं जो लिखते रहते हैं, अजय संग गीता ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट बस किले को दिखाने के लिए आए थे। आप लोगों को और दिखा देते हैं, इसके ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को सीढ़ियों के ऊपर का राज जो भी है। आप लोगों को बताते हैं राजा के कमरे का राज। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पर आने के हमें आने पर पता चलता है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी शानदार और काफ़ी मस्त और काफ़ी सुरक्षित है ये किला। क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो जहाँ भी हम लोग गए होंगे वहाँ पर सैनिकों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था और उनके गन पॉइंट बनाए गए हैं। और इस किले को इतना सुरक्षित बनाया गया था कि इस किले को आज तक मतलब ऐसे इस किले पर ज़्यादा लूटपाट नहीं हुई है। अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन आ गया था। अब गाइस यहाँ से हम लोग इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे साथ, गाइस यहाँ से काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है। आप लोग देख ही सकते हो कुछ यहाँ पर भी बने हुए हैं जो कक्ष वगैरह होंगे। और एक उस तरफ भी एक छोटा सा महल बना हुआ है, शायद यहाँ के राजाओं का ही हो। और गाइस यहाँ से आप लोग इस साइड देख सकते हो यहाँ पर मछली पालन की गई है। और ये प्राचीन ही कुछ एक कुंड वगैरह बने हैं जो इस महल का पानी बरसात के टाइम उसमें इकट्ठा हो जाता है। गाइस चलते हैं इस साइड आगे। और आप लोग आगे देख सकते हो गाइस इस साइड पूरा बल्दोगढ़ है जो पूरा दिखता है। और यहाँ पर कुछ बुर्ज वगैरह बनाए गए हैं जहाँ पर सैनिक बैठा करते थे। और वहाँ पर आप लोग मेरे सामने ही देख सकते हो जो मैंने आप लोगों को वो तोप बताई थी, वो जस्ट सामने ही वो तोप पड़ी हुई है मेरे। आप लोग देख सकते हो वो तोप है, वही ऐसी वो एक तोप थी जिसको एक बार यूज किया गया था। उसको एक बार यूज करने के बाद जो यहाँ की स्त्रियाँ जो गर्भ धारण किए हुई थी उनका गर्भपात हो गया था, ऐसा लोग कहते हैं। तो गाइस हो सकता है ऐसा हो। और उसके बाद उस तोप को दोबारा यूज नहीं किया गया है। और इस किले की जो बाउंड्री वॉल है काफ़ी मतलब अच्छी बनाई गई है, मजबूत बनाई गई है। आप लोग देख ही सकते हो 3 से 4 फुट चौड़ी बाउंड्री वॉल है। इसके बाद गाइस हम लोग चल रहे हैं नीचे। और गाइस नीचे चल के आप लोगों को बताते हैं कुछ और थोड़ा बहुत। यहाँ के जो राजा थे काफ़ी उन्होंने मतलब जो यहाँ के राजा थे पहले ओरछा रियासत में रहा करते थे। वहाँ पर मराठों के आतंक से उन्होंने यहाँ पर अपना ये स्थान चेंज किया और बल्दोगढ़ को अपना मेन रियासत बनाया। यहाँ पर उन्होंने अपने अस्त्र वगैरह रखने के लिए इस किले का निर्माण किया।